वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 cm एंड इट्स लेंथ इज 120 cm। डायमीटर ऑफ रोलर इज गिवेन 84 cm एंड इट्स लेंथ आर एच इट इज गिवेन 120 cm। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मेक वंस ओवर टू लेवल ए प्ले ग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड। सो एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ द रोलर। इट विल बी 84/2, इट इज 42 cm। नाउ चूंकि रोलर से जो है लेबल करना है, तो लेबल करने के लिए उसका कर्व सरफेस एरिया यानी लैटरल सरफेस एरिया ही जो है ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा। सो वी हैव टू फाइंड लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल रोलर। इट विल बी 2πRh। सो 82π 22/7 आर 42 एंड एच 120 cm। नाउ 7 से 42 कैंसिल कराते हैं, 6 जार 82 2 जार 44 × 6 × 120। तो यह हो जाएगा आपका 6 4 जार 24 × 6 4 जार 24 × 26 × 120। नाउ 0 12 4 48 × 4 12 6 जार 72 × 4 76 एंड 12 2 जार 24 × 7 31। फिर से देख लें, 0 12 4 48 × 4 12 6 जार 72 × 4 76 × 7 12 2 जार 24 × 7 31 cm स्क्वायर। अब यह जो एरिया होगा वह वन रिवोल्यूशन में होगा, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन। सो कवर्ड एरिया इन 500 रिवोल्यूशन, इट इज कर्व सरफेस एरिया आर लैटरल सरफेस एरिया इंटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। सो इट इज 31680 × 500 × 1 × 30। नाउ 5 8 जार 40 0 × 4 5 6 जार 34 × 4 5 6 जार 30 × 4 34 × 3 5 8 जार 5 × 3 8 5 3 जार 50। यह हो गया आपका cm स्क्वायर। अब यह cm स्क्वायर को हम इजिली मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो वी कैन राइट हियर 5 8 1 5 8 4 × 4 0 / चूंकि जो है 1 मीटर स्क्वायर में 100 × 100 cm स्क्वायर होता है, तो इसे 100 × 100 से डिवाइड कर देंगे। नाउ 20 × 20 × 22 20, इट विल बी 1584 मीटर स्क्वायर। इट मीन एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड इज 1584। यह हो गया आपका एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड। इस तरह से नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज ए सिलिंड्रिकल पिलर इज 50 cm इन डायमीटर। अब देखो ऐसे एक सिलिंड्रिकल पिलर है
इट्स डायमीटर इज गिवन 50 cm, सो रेडियस विल बी 50 बाई 2 यानी 25 cm. नाउ एंड इट्स हाइट इज 3.5 मीटर, एच है 3.5 मीटर. फाइंड द कास्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट 12.50 पर मीटर स्क्वायर. अब देखो इसको, इसके कर्व सरफेस को पेंट करना है तो सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए और फिर रेट से मल्टीप्लाई करके कास्ट निकाल लें. तो रेडियस जो है वह चूंकि रेट मीटर पर मीटर स्क्वायर में दिया है तो इसलिए रेडियस को हम मीटर में कन्वर्ट कर ले. इट इज 25/100 सो इट विल बी 1/4 मीटर. अब जो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पीलर इट इज 2πRh. तो यह हो गया 2π. हम जो है 22/7 ले लें, आर इक्वल टू 1/4 एंड एच 3.5. अगेन 22 2 जार 44 बाई 7 इंटू 1/4 और 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं. तो फिर 7 से यह 7 कैंसिल हो गया और 2 से सॉरी यहां जो है 4 से यह 44 कैंसिल हो गया 11 जार सो इट इज 11/2 इट इज 5.2 मीटर स्क्वायर. यानी जो सिलिंड्रिकल पिलर है उसका कर्व सरफेस एरिया यानी लैटरल सरफेस एरिया जो है 5.5 मीटर स्क्वायर हो गया. नाउ कास्ट ऑफ पेंटिंग, कास्ट ऑफ पेंटिंग इज कर्व सरफेस एरिया इंटू रेट. तो कर्व सरफेस एरिया हो गया 5.5 एंड द रेट इज गिवेन 12.50. अब इसे मल्टीप्लाई कर ले तो या जीरो या इसको जो है ऐसे आप मल्टीप्लाई कर ले 12.50 इंटू 5.5 तो 0 5 0 0 5 5 जार 25 एंड 12 5 जार 60 एंड 2 62. फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 5 0 एड कर देंगे 0 5 5 2 7 6 2 8 एंड 6 2 एंड 3 नंबर पे डेसिमल हो गया यानी हो गया 68.75 रुपीज. यानी जो पिलर का जो कर्व सरफेस एरिया है उसको पेंट करने का जो कास्ट है वह हो गया आपका 68.75 रुपीज. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सिक्स ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर. यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इट इज गिवेन 4.4 मीटर स्क्वायर. इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.5 cm फाइंड इट्स हाइट. यानी चूंकि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया या 2πRh होता है यह हो गया 4.4 तो यह हो गया 2π हो गया 22/7 r हो गया 0.7 और इसका हाइट h जो फाइंड करना है और यह हो गया 4.4. अब देखें तो 7 से या 0.7 कट गया 0.1 जार 22 2 जार 44 आई इंटू 0.1 यानी अभी हो गया 4.4 एच इक्वल टू 4.4. अब 4.4 से 4.1 1 जार कट गया यानी एच इक्वल टू हो गया 1 मीटर. यानी जो है सिलेंडर का हाइट हो गया
1 मीटर। इसी तरह से नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। अब देखिए एक सर्कुलर वेल है इसका इनर डायमीटर 3.5 मीटर एंड द डेप्थ इज यानी एच जो है वह 10 मीटर का दिया। सो फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। अब देखो तो इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वेल यह हो गया 2πRh। वैल्यू पुट कर दे 82π हो गया 22/7 और इनर डायमीटर दिया 3.5 मीटर तो रेडियस हो गया 3.5/2। तो रेडियस के प्लेस पे हम 3.5/2 लिख दे और h इज गिवन 10 मीटर यहां 10 लिख दे। अब देखें तो यहां जो है इस 2 से यार 2 कैंसिल हो गया। नाउ यह हो गया 22/7 फिर 3.5 को हम 7/2 लिख दें और इनटू 10 लिख दें। 7 से 7 कैंसिल और 2 से 11 10 110। तो यह यानी सिलिंड्रिकल वेल का इनर कर्व सरफेस एरिया 110 मीटर स्क्वायर हो गया। इन सेकेंड नंबर क्वेश्चन इट इज आस्किंग द कास्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। यानी हमें जो है अब कास्ट ऑफ प्लास्टरिंग फाइंड करना है। इट इज कर्व सरफेस एरिया इनटू रेट। तो कर्व सरफेस एरिया हो गया 110 और रेट दिया हुआ है 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो 00114044 यानी 4400 रुपीज यह हो गया कास्ट ऑफ प्लास्टरिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सबमिट करेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओके थैंक्स।